हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमें बिल्कुल ठीक है। तो आज हम रांची से वापस घर आए। अभी तो हे गाइस, हम घर पहुंच गए। थैंक यू, थैंक यू। इसे सहा गले मिल रहे थे, पेड़ बीच में आ गया, पेड़ दिख रहा है। चलो अंदर। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। देखिए गाइस, ये देखिए। गाइस, हम बर्थडे के बाद घर आ गए। देखिए, और यहाँ पे मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया हुआ था। हम फोन ऑन किए ही नहीं थे, लोग बोले फोन ऑन करके आओ। हमको क्या पता था। निकी का ये सब, निकी का अच्छा लग रहा है। तो ही गाइस, अभी हम घर आए हुए हैं मेरा बर्थडे के बाद। मतलब मेरा बर्थडे 2 दिन पहले था। हम घर आए हुए हैं तो देखे कि आप लोग देखे कैसे ये लोग सरप्राइज दी। तो हमको इसका कोई आइडिया नहीं था, तो बोले कि कपड़ा चेंज करो पहले, उसके बाद केक कटिंग करो। तो पहले कपड़ा चेंज करते हैं। तो ये देखिए सूट, जो अभी हम पहनने वाले हैं, जो अभी हमको पापा गिफ्ट किए हैं। तो चलिए इसको पहनते हैं। तो अब हम कपड़ा चेंज कर लिए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला कपड़ा। और बस कपड़ा चेंज किया, अभी तुरंत आया तो हमको तैयार होने मन नहीं कर रहा। ऊपर से गर्मी लग रहा है ना, तो मेकअप वेकअप करने मन नहीं कर रहा, तो बस ऐसे। देखिए गाइस, मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया गया है। मेरी बहन फर्स्ट टाइम अकेले से डेकोरेट की है। अकेले तो तब नहीं, अकेले से अकेले अकेले कोई नहीं, हम लोग सबको मिलके की है। अच्छा, हाथ दाब दिए, चलो कर देंगे। आने को मुड़ी जी Thank you.
तो अभी इधर सब लोग केक खा रहे हैं और चाचा दोनों अंदर ही हैं रूम में, उधर ही दे दिए वो दोनों को। और फिर हम मम्मी को कॉल करके पहले ही बोले थे कि मेरे लिए खिचड़ी बना के रखिएगा, तो देखिए खिचड़ी तो देख सकते हैं इधर खिचड़ी तैयार है, बहुत यम्मी दिख रहा है। मम्मी ना बहुत अच्छा बनाती है तो हमको उसका अच्छा लगता है, तो हम पहले ही बोल दिए थे कि जब हम भी मतलब हमेशा जब आते हैं तो हम बोल के रखते हैं कि हम आएँगे तो खिचड़ी बनाइएगा। तो देखिए गाइस अब खाएंगे हम थोड़ा देर में, पहले केक को खा लेते हैं। तो देखिए आइसक्रीम भी है, लाइए आइसक्रीम गाइस। हेलो आइसक्रीम भी है। तो ये रहा आइसक्रीम, निक्की तुम पहले खा ली ना, एक चम्मच तो निकला हुआ है इससे। निकाल तो खा लिया, तुम लेट कर दिया। अच्छा हाँ, तो पापा को ज़्यादा मीठा नहीं खाना है इसीलिए आज हम लोग थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। एक एक दिन चलता है ना मम्मी, एक एक दिन दे देते हैं लोग। तुम तो खाई थी, तुम तो मत खाओ। देखिए गाइस ये मेरे घर का फूल है, बहुत प्यारा लग रहा है ना, कितना अच्छा से डेकोरेट कर रही है। नहीं देखो देंगे क्या, केक तो तुम ही खा खा के खत्म कर रही, हम तो अभी तक नहीं खाए। देख लीजिए गाइस कितना कर रही, सब खाए थे ना, आइसक्रीम लीजिए ना, निकाल लीजिए आप ही लोग दे रहे हैं। ये चम्मच ये वाला से निकालो तुम। और देखिए गाइस फ्रिज में हमको मिला चॉकलेट, हम नहीं रहते वही टाइम ये लोग एकदम अच्छा अच्छा खरीद के रखे रहता है। हाँ तुम पा ली तो तुमको क्या लगा छिपा के रखी है, हमको दिख गया। खाते हैं नहीं, पहले हम ना खिचड़ी ही खा लेते हैं, हमको भूख लग रहा है, उसी के बाद केक सब खाएंगे। देखिए गाइस खिचड़ी अब हम खाते हैं पहले। हाँ नहीं वो चलेगा चलेगा वो कॉफी वाला फ्लेवर बन, हमको मम्मी का हाथ खिचड़ी बहुत अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, लेकिन झाल कम हो गया। तो अभी हम खाना खा लिए हैं और बाहर मेहमान लगाए हुए हैं। देखिए इधर चाचा चाची लगाए हैं, ये दे बाबू और मंडी जमतन देखे। देखिए गाइस लीची पहुंचा ही नहीं रही है, इतनी लंबी होकर क्या फायदा बताओ। पापा है ना। अच्छा और इधर मैं सब लीची खा रही हैं। देखिए लीची खा रहे हैं इधर, सिबिल चिका सिबिल
सिविल का है लिल अंदर ले को तो का गया इन हम के मर कम बात भी जात के लोग आए थोड़े हंदे जो कर रहे थे दूर में कम सन के नाम कागड़ ये है हटो ना थोड़ा सा साइड देखिए गाइस इधर प्यारा प्यारा फूल खिला हुआ है कागज फूल ये वाला शेडिंग वाला पिंक वाइट एक ही में है देखिए इधर ऐसे एक ही में है मतलब ये वाइट पिंक और फिर इधर है येलो वाला और फिर उधर वो क्रिसमस ट्री में रंग हो गया उसका वाइट वाला वो पूरा वाइट है और इधर है पीछे लाल उड़हुल उधर है क्रीम वाला उड़हुल और फिर इधर है येलो वाला उड़हुल और जो बाकी कलर है वो ऑरेंज वाला सब वो तो वो वाला आंगन में है फिर ये दूसरा है पिंक वाला कागज फूल जो पूरे डंटी में होता है हाँ और इधर है शांति लता फूल ये वाइट और पिंक मिक्स वाला है लेकिन दिन होते होते सब ये हो जाता है तो बहुत दिन तक खिला रहा तो वाइट वाला भी पिंक ही हो गया सुबह केवल वाइट होता है तो देखिए गाइस ज्ञान दे रही है तो अभी चाचा चाची लोग जा रहे हैं उधर मम्मी वो लोग को छोड़ने के लिए और फिर पापा तो सामने चले गए तो आज के व्लॉग को हम यहीं पे अंत कर रहे हैं और मेन बात हम ये बोलना चाहेंगे जैसे आप लोग स्टार्टिंग में ही देखे कि मेरा कैमरा ऑन था और ये लोग हमको फूल दी लेकिन हमको पता नहीं था पता हम एकदम सामने तक गए तो ये लोग क्या बोलते अरे कैमरा ऑन करो तो भाग नहीं ऑन कर तो बोले करो बोले ना तुमको पता ही नहीं था कि ये लोग मतलब मेरे लिए सरप्राइज की हुई है ना कैसे लगा था अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा तो हम दोबारा वापस आके हम कैमरा ऑन करके गए हमको पता भी नहीं था बस बोली कि ऑन करो हम बोले कहे ऑन करो ना नहीं मान रही थी जबरदस्ती जिद करवा के और ऑन करवा है अरे तो फिर बाद में ऑन किए तो देखे तो पूरा सरप्राइज था तो बहुत अच्छा लगा तो मेरा बर्थडे था 16th मई को और आज है 18 मई आज ही मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ मतलब हम लोग को मिड सेमेस्टर हो रहा था तो आज ही ख़त्म हुआ तो हम आज ही घर आए मतलब ये सोच के तो नहीं ही आए थे बस इन लोग को बताया कि हम घर आ रहे हैं तो जो भी था बहुत अच्छा था धन्यवाद हम लोग डेट दूसरा सोचे थे लेकिन आज करेंट मतलब अचानक से स्कूल आते समय सोचे कि मतलब लाते हैं अच्छा तो जो लोग भी देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाय बाय और नहीं और फिर जो लोग सब्सक्राइब अभी कर रहे हैं और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं देखते हैं खूब सारा प्यार देते हैं वो लोग को दिल से शुक्रिया तो बस आज के लिए इतना ही थैंक यू बाय बाय